ओम नमस्कार बंधु, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टोटके पर। बंधुओं, आज का विषय है कि कैसे अपने सोए हुए भाग्य को फिर से जगाया जाए, यानी कि दुर्भाग्य का नाश करें और हमारे किस्मत का ताला खोले। आखिर सोया हुआ भाग्य किसे कहा जाता है, दुर्भाग्य किसे कहा जाता है? इसके बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, मान लीजिए आप लड़की हैं और लड़के वाले देखने आते हैं आपको और फिर बाद में मना कर देते हैं, या फिर हाँ करके जाते हैं और फिर बाद में मना कर देते हैं शादी के लिए। या ऐसे ही यदि आप लड़का हैं और लड़की वाले देखने आ रहे हैं या आप जाते हैं देखने के लिए तो आपको मना कर दिया जाता है पहले हाँ बोल के। तो कहने का मतलब है बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, आप कुछ सामान बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, सब कुछ बात बन जाती है मगर आखिर में मना हो जाता है। कुछ भी कह सकते हैं आप किसी भी तरीके से। और यदि आपके आर्थिक रूप से भी आपको परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, लगता है कि पैसा आने वाला है और फिर आखिर में पता चलता है कि पैसा नहीं आ रहा है, पैसा भी कहीं ना कहीं रुका हुआ है। जहां भी हाथ डालते हैं वहां पे नाकामी मिल रही है, इतना प्रयास करते हैं फिर भी इतनी नाकामी मिल रही है। दूसरों को अच्छा करना चाहें जितना भी मगर सामने से उतना सम्मान नहीं मिलता है, सुनने को मिलती है बार बार, कड़वे वचन ही सुनने को मिलते हैं। तो जिस काम में भी हाथ डाला वहां से कड़वा ही परिणाम मिला है, तो उसको कहा जाता है दुर्भाग्य चल रहा है। और दुर्भाग्य हमेशा के लिए नहीं रहता है, इस बात को आप मान लीजिए हमारी बात, क्योंकि दुर्भाग्य का नाश करने के लिए आप अपने कुंडली भी दिखवा सकते हैं और दूसरी बात कुंडली के अनुसार आप उपाय कर सकते हैं। और वरना यदि आप कुंडली नहीं दिखाना चाहते हैं तो हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, ये वाला उपाय करके देखिएगा सच कह रहे हैं। इतना सटीक उपाय, सरल उपाय करके हम आपको बताएंगे। यदि आपने इसको सटीकता से कर लिया, नियम के अनुसार कर लिया, जो भी आपका दुर्भाग्य है वह हमेशा के लिए हट जाएगा और फिर आप भी बोलेंगे कि हाँ जो उपाय किया है उसकी वजह से ही हमें सफलता मिल रही है, और जो आपने प्रयास करे हैं वह तो है ही, वो तो अथक प्रयासों से ही हमेशा सफलता मिलती है। मगर इस उपाय को करिए करके देखिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब हम बता देते हैं कि इसमें क्या क्या इस्तेमाल होगा। एक लाल कपड़ा होना चाहिए आपके पास, इसको आसन कहते हैं। इसके ऊपर बैठ के, लाल कपड़े के ऊपर, लाल आसन के ऊपर बैठकर ही आपको ये उपाय करना है, इसलिए हमने सामने रख दिया है ताकि आप देख लेंगे लाल रंग का ही होना चाहिए। एक सेब होना चाहिए या कोई फल, सेब ले लीजिएगा, सिंदूर पानी में भिगो के थोड़ा सा सिंदूर, और दिया, दिया आपको जलाना है सबसे पहले। अब हमसे लोग पूछते हैं कि कितना बड़ा दिया होना चाहिए, कैसा दिया होना चाहिए, देख लीजिए मीडियम साइज का दिया है, ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा। इसमें आप देसी घी डालेंगे और फिर बत्ती इसमें लगाएंगे और फिर इसको जलाएंगे। जी हाँ, और देसी घी इतना डालिएगा जितना आप चाहते हैं आपके जीवन में सुख हो, तो समझ लीजिएगा, मगर इतना भी मत भर दीजिएगा इसे कि ये नीचे गिरने लगे, तो वो खराब चीज हो जाती है। तो आप इसको इतना देसी घी डालिए इसमें कि जितना कि इसमें जोत जलती रहे हमेशा, हमेशा का मतलब जब तक आप ये उपाय कर रहे हैं तब तक। फिर आप ये जलाएंगे, दिया जलाएंगे, और दिया जलाने के बाद आप दिए के पास में ही इसको रख देंगे, जो भी फल आप इस्तेमाल करने वाले हैं उसको रख देंगे। और फिर आप यंत्र बनाएंगे जो हम बताने वाले हैं, सिंदूर से यंत्र बनाना है आपको, अपनी तर्जनी उंगली से सीधे हाथ की, यदि आप सीधे हाथ का इस्तेमाल करते हैं, और यदि आप उल्टे हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो उल्टे हाथ की तर्जनी उंगली से आप बनाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखना है, जहां पे भी बनाए आप बैठ के उस ध्यान रखना है आपको, और इस बात का भी ध्यान रखना है कि लाल रंग के आसन पे बैठ के बनाना है, उत्तर दिशा में मुंह करके आपको बनाना है, उत्तर दिशा की तरफ। साफ सफाई का ध्यान रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, बार बार बोल रहे हैं, सटीक एकदम ना भी बने चलेगा मगर साफ सफाई बिल्कुल देनी है, इज्जत देनी है, सम्मान देना है यंत्र को बनाते समय। आप देखते रहिएगा जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे ही बनाइएगा, इस बात का ध्यान रखना है, बार बार हम बोल रहे हैं साफ सफाई का ध्यान, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात होती है साफ सफाई किसी भी यंत्र को बनाते हुए। सम्मान देना है क्योंकि यही यंत्र आपको आपकी राह दिखाएंगे और आपका भाग्य उदय कराएंगे। पूरी निष्ठा के साथ करना है आपको ये उपाय, सकारात्मक सोच रखनी है। ये आप देख रहे हैं
इस बात का ध्यान रखना, ये टेढ़ी जाएगी इधर से भी टेढ़ी जाएगी और ये थोड़ा सा बाहर जाएगी। आपको नज़दीक से भी दिखा देते हैं, इसको आप फिर सूखने देंगे, ये आप बना लेंगे, इसको आप सूखने देंगे। सूखते सूखते आप दूसरा यंत्र एक बनाएंगे, बिल्कुल ही छोटा सा यंत्र है, इसी कागज पे बना लेंगे आप। सिंदूर से ही बनाना है, जो महिलाएं अपनी सिंदूर मांग में भरती हैं। चकोर बना देना है और इसके अंदर एक चकोर और बना देंगे आप, और फिर आप इसको ऐसे बांटेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कैसे बांटना है, ये भी ध्यान देखना है। अब आप इसको सूखने देंगे, फिर आप काली कलम से अंदर जो हम बोलेंगे वह आपको लिखना है। यहां लिखेंगे आप 8, यहां लिखेंगे आप 4, यहां लिखेंगे आप 7, यहां लिखेंगे आप 5, यहां लिखेंगे आप 1, यहां लिखेंगे आप 6, और इसमें आपको बीच में लिखना है अपना नाम। अपना नाम लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, यहां पे इसके नाम के थोड़ा सा नीचे 9 लिखेंगे आप, इस तरफ 9 लिख देंगे आप, और फिर यहां पे लिखेंगे जैसे जैसे हम बता रहे हैं, इसमें 4, 12, 5, 8, बीच में 7, इधर 4, इधर 9, इधर 2 और इधर 10। पास से देख लीजिएगा आप, ये आपको बनाना है, लाल आसन पे बैठ के बनाना है। और बंधु, बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमने नहीं बताई अभी तक, जब भी दुर्भाग्य साथ हो आपके साथ, भाग्य साथ ना दे रहा हो, तो आपको अपने घर में एक दुर्गा माँ की मूर्ति अवश्य रखनी है। जी हाँ, दुर्गा माँ की तस्वीर या फिर मूर्ति रखें। सबसे महत्वपूर्ण ये माना जाता है कि पारत मूर्ति होती है एक, उसको रखें यदि आप घर में, जिसको अंग्रेजी में मरकरी कहा जाता है, पारत को, उसको आप अपने घर में रखें, मूर्ति को दुर्गा माँ की, तो बहुत ही जल्दी परिणाम मिलता है, दुर्भाग्य नाश होता है और आपका जो सौभाग्य है वह होने लगता है। तो आपके पास यदि नहीं है मूर्ति दुर्गा माँ की, तो आप लेकर आइए, हम फिर भी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अगर हमसे हो सका तो हम दे देंगे, आप वहां से भी ले सकते हैं, आपके घर में पहुंचा दी जाएगी मूर्ति। यदि आपके पास है तो उसको हमेशा रखिएगा, और इस यंत्र को बनाते समय उस मूर्ति को अपने पास रखिएगा। अब क्या करना है आपको, ये जो आपने यंत्र बनाया है, ये यंत्र आप किसी पीले रंग के कपड़े में रख देंगे, मोड़ कर रख देंगे आप, और अपने मंदिर में रख देंगे, जहां पे भी आप पूजा अर्चना करते हैं वहां पे रख दीजिएगा। और दीप, जो आपने दीपक जलाया था, इस दीपक को आप अब बुझा सकते हैं जब आप ये बना लेंगे। और ये जो आपने फल रखा था, ये आपको खुद खाना है, ये आपको खुद खाना है फल, और फिर आपको रोज मंत्र जपना है 51 बार माँ दुर्गा का, रोज वह मंत्र है दुम दुर्गाय नमः। यह मंत्र आपको जपना है, दुम दुर्गाय नमः, 51 बार रोज जपना है आपको। मंदिर में जहां आपने रख दिया है, ये जहां पर आप पूजा अर्चना करते हैं, पीले कपड़े में रख दीजिएगा, और आपको ये मंत्र जपना है 51 बार, दुम दुर्गाय नमः। और दुर्गा माँ की मूर्ति होनी चाहिए, पारद मूर्ति हो तो बहुत बेहतरीन माना जाता है, तो आप उसको ले भी सकते हैं यदि पहले से, तो आप बहुत अच्छी बात है। तो बंधु, ये उपाय करना है आपको, 3 दिन बताएंगे हम, 3 में से किसी एक दिन करेंगे आप, बुधवार को, बृहस्पतिवार को या फिर शनिवार को, ये यंत्र आप बनाएंगे। पूरे दिन में किसी भी समय बना सकते हैं, बस याद रखिएगा रात के 9 बजे से 12 बजे के बीच में मत बनाइएगा, उससे पहले पहले आप उसको बना दीजिएगा और रख दीजिएगा मंदिर में। उसके बाद आप जिस समय भी चाहें, दिन छिपने से पहले पहले आप ये मंत्र जपेंगे, दुन दुर्गाय नमः, आराम से बैठ के। और उसके बाद आपको सिर्फ दीपक जलाना है, देसी घी का हो या सरसों का तेल का हो, जैसे भी तेल का हो आप जला दीजिएगा एक। तो बंधु, जैसे ही आपको लगने लगेगा कि आपका दुर्भाग्य हट रहा है धीरे धीरे, तब आप इस यंत्र को बिल्कुल सम्मान देते हुए किसी भी पेड़ के नीचे रखाएंगे, पीपल का पेड़ ना हो बस, जब आपको लगने लगे, तब, जब तक नहीं लग रहा है आपको, तब तक आप इसको अपने पास रखिएगा।
और परिणाम वैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो समय लगता है 41 दिन भी लग सकते हैं, कईयों का काम 21 दिनों में भी हो जाता है। तो आपसे अनुरोध है थोड़ा संयम बना के रखें तो आपका काम अवश्य होगा। तो बंधु, यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई सवाल है तो कमेंट में लिखे हमसे अवश्य पूछेगा, हम आपका जवाब अवश्य देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।